देखिए नथ जेवरिया जंजीर सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। मुझे कोई खाना दे दो, खाना दे दो, मुझे भूख के मारे मेरी जान जा रही है, सुन रही है, खाना खिला दो। तू भूख का छोड़ और ना सुंदर दिखने का सोच, महुआ से ज्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए तू। वो तो मैं दिखूंगी, ये भी कोई सोचने की बात है, और भूख के मारे मैं पागल हो रही हूँ, उसका कुछ करो, ये व्रत नहीं रखा जाता मुझसे। अरे तुम ना अपनी परेशानियां रखो साइड में और ध्यान दो उन दो पिद्दियों के बारे में। ये महुआ की बेटियां ना बहुत शातिर हैं, पक्का कहीं ना कहीं बैठ करके न्याय कांड करने की सोच रही होंगी। एकदम सही कह रहे हैं आप, ये गौरी को तो फिर भी संभाल लिया जाए, लेकिन कृष्णा, कृष्णा तो बहुत ज्यादा चंट लड़की है। बिल्कुल सही विलन अंकल, छोटे बच्चे हैं पर कमजोर नहीं यार, बच के रहना विलन अंकल। इलो महुआ, ये साड़ी बहुत सुंदर है, तुम ये पहन लो आज। नहीं मैया, ये वाली साड़ी पहनेंगी, प्लीज मैया आप ये वाली साड़ी पहनोगे ना? ये पापा के अलमारी में बहुत टाइम से रखी हुई थी, हम पूछते थे लेकिन वो बताते नहीं थे किसके लिए, पर हमको पता है इस पर आपका ही नाम लिखा है, पहनोगी ना मैया? नहीं महुआ, आर्यन की दी हुई कोई भी चीज नहीं पहनेगी, हम यही साड़ी पहनेंगे। थैंक यू मैया। आजा बैठो। नहीं होगा मुझसे, भूख के बारे में मेरी जान जा रही है, ये मेकअप वेकअप भी मुझसे नहीं हो रहा। हे भगवान, अब तो पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है, ये अम्मा जी का मुहूर्त तो आने का टाइम ही नहीं ले रहा, क्या करूं काजल, क्या करूं? हाँ, खाने की खुशबू। क्या है गौरी, है क्या यार, हम उसे ढूंढने आए थे। तुम सबका ठेका लेकर ये बैठा है मैंने, चलो उसे कहीं और ढूंढो, निकलो यहाँ से। सॉरी सॉरी। अगर गौरी है तो उसे ये दे देना। जाओ। खुशबू है, थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब आएगा मजा, अभी बाबा को बुलाता हूँ। हेलो गौरी, जल्दी से बाबा को भेज, कॉपी अभी भेजती हूँ। ओके जल्दी। छोटा बच्चा समझ के डरा रही थी ना, लग गई ना मिर्ची। पानी, तुम
ठीक हो? आयुष हो तुम ठीक हो? ये कहां से आ गया? इसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने खाना खाया है। ओके। मान गए तुम्हें गुरु, सही पैतरा फेंके हो तो क्या करते? आपसे तो कुछ हो नहीं पा रहा था तो सोचा हम ही मैदान में उतर जाते हैं। जब महुआ का विश्वास है हमारे पास तो इस रमेश को भाव का ही दें। इसके भी पर निकल आए हैं, काटना पड़ेगा, तब आएगा ही हमारे चरणों में। अरे ईका, अम्मा जी तो बोल रही थी कि आर्यन का तिलक है, ये दू दू जगह तैयारी चल रही है। ये हवेली का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। देख आ गई काजल, कितनी सुंदर लग रही है। ये रंग तुम पर बहुत जचता महुआ, काश हम तुम्हें इसे तोहफे में दे पाते। बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए आपको और बाबा को एक करके ही रहेंगे। मैया आपको और पापा को कभी जुदा नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कोतवाल कि तुम आज भी हमसे बहुत प्यार करते हो और महादेव की सौगंध, हम तुम्हारे होकर रहेंगे चाहे जो कुछ हो जाए।